हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और स्टॉक के बारे में, जिसको कि हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखेंगे। एक से दो दिन या फिर तीन दिन आपको पोजीशन होल्ड करना पड़ सकता है, तो इसलिए अकॉर्डिंगली जो है आपको यहाँ पे पोजीशन को प्लान करना है। और साथ ही साथ अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने इंट्राडे स्टॉक्स का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो पब्लिश हो चुका है, आप लोग जो है चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए अब जो है हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ अपडेट है। सबसे पहला अपडेट रिलायंस के ऊपर है। रिलायंस हम लोगों ने फर्स्ट टाइम, आपको याद होगा, यहाँ पे पुल बैक के बाद हम लोगों ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपको एंट्री लिया था, और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे भी मैंने आज आपको अपडेट किया था जब ये रेंज ब्रेक हुआ था। मैंने कल भी आपको बताया था इस रेंज पे आपको ध्यान रखना है, अगर ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट होता है तो आपको यहाँ पे पोजीशन बनाना है। और यहाँ पे देखिए एक अच्छा, काफी टाइम के स्ट्रगल के बाद जो है यहाँ पे आपको एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, और रिलायंस जो है आज आपको गिरते मार्केट में भी एक अच्छा स्ट्रांग यहाँ पे आपको काफी रहा। तो इसीलिए जितने भी लोगों ने रिलायंस में आपको पोजीशन बनाया है वो सभी लोग अब स्टॉप लॉस जो है 2400 के नीचे अपना यहाँ पे प्लेस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2400 के पास एक अच्छा जो है यहाँ पे आपको पैटर्न बनाया है, साथ ही साथ कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। तो इसीलिए अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो फिर हम लोग पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे, लेकिन अगर इसके ऊपर निकलते जाता है तो हम लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे। सेकेंड यहाँ पे हम लोगों का अपडेट है HDFC के ऊपर। HDFC कल हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए रखा था। अगर आप लोगों ने एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बताया था 2360 के नीचे आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है। 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने दीजिए तभी आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है। यहाँ पे आज आपको कहीं पे भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, उसके बाद स्टॉक ने इस चैनल को ब्रेक कर दिया और इसके ऊपर आपको कंटिन्यू यहाँ पे ट्रेड किया। अब यहाँ पे हम लोगों को वेट करना है, अगर ये आपको यहाँ पे रिट्रेस करके और सपोर्ट लेने के बाद सेम ट्रेंड लाइन से यहाँ पे आपको अगर बाउंस करता है तो हम लोग इस स्टॉक को बाई करने के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि इसने अगर देखेंगे तो एक डाउनवर्ड चैनल को ब्रेक किया है। काफी दिनों से ये चैनल में ट्रेड कर रहा था, ऑलमोस्ट आपको लास्ट के 7 to 8 ट्रेडिंग सेशन से इसी डाउनवर्ड चैनल में आपको ट्रेड कर रहा था, इसको ब्रेकआउट किया है। अब एक बार रिटेस्ट होने के लिए वेट कीजिए, अगर रिटेस्ट होने के बाद यहाँ पे बाउंस आता है तो फिर हम लोग जो है इसको बाई करने के लिए देखेंगे। यहाँ पे फिर से एक अच्छा ऊपर की साइड हम लोगों को ट्रेड मिल सकता है। तो अब जो है हम लोग कल के स्टॉक के बारे में बात करते हैं। स्टॉक का नाम है DLF। सबसे पहले इसके डेली चार्ट को देखते हैं, जो समझते हैं जो हम लोग क्यों इस स्टॉक को सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर डेली चार्ट में यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक में आपको क्लियरली एक निगेटिव पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन आपको क्लियरली बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे लोअर हाई का फॉर्मेशन जो है आपको क्लियरली विजिबल है, और स्टॉक ने आपको रिसेंटली यहाँ पे एक सपोर्ट जोन को ब्रेक किया था। इस लेवल के नीचे जो है आपको यहाँ पे कंटिन्यूअस 4 times सपोर्ट लिया और यहाँ पे 4 times में आपको ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करने के बाद आपको रिटेस्ट किया है, और रिटेस्ट करने के बाद आपको फिर से नीचे की ओर मूवमेंट स्टार्ट कर चुका है। तो इसलिए इस स्टॉक में जो है आपको नीचे की साइड एक मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, और हम लोग इसी मूव को ट्रेड करने वाले हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे हम लोगों को ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन दिख रहा है। कुछ इस टाइप से जो है हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिख रहा है। एक बार के लिए यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट जरूर हुआ था इस पॉइंट पे, लेकिन यहाँ पे उसके बाद फिर से स्टॉक इसी ट्रेंड लाइन के रेसिस्टेंस को आपको हिट करते हुए यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड कर रहा है, और कंटिन्यूसली इस ट्रेंड लाइन को एज ए रेसिस्टेंस यहाँ पे ये आपको रेस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है 363 के अराउंड जो है इस स्टॉक ने इससे पहले भी सपोर्ट लिया है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इससे पहले भी आपको इस रीजन में सपोर्ट ले चुका है, और फिर से आपको उसी लेवल के अराउंड प्राइस जो है यहाँ पे कंटिन्यू होवर कर रहा है। आज भी अगर देखेंगे तो यहाँ तक स्टॉक फॉल हुआ, फिर आपको ऊपर की ओर गया, यहाँ पे आपको रेसिस्टेंस को हिट किया ट्रेंड लाइन को, और फिर से जो है इसी लेवल के अराउंड क्लोज दिया है। तो कल अगर एक 15 मिनट का कैंडल 363 के नीचे आपको यहाँ पे क्लोज करता है
तभी हम लोग यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर 363 के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। स्टॉप लॉस हम लोगों का यहाँ पे 371 का होने वाला है, 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस होने वाला है। टारगेट हम लोगों का यहाँ पे 16-20 पॉइंट का होना चाहिए, लेकिन सबसे पहला टारगेट जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो है आपको यहाँ पे 348 का लेवल, जहाँ पे कि आपको स्टॉक ने रिसेंटली यहाँ पे इस लेवल से टच करके यहाँ पे आपको एक बाउंस किया है। तो ये स्विंग लो जो है हम लोगों के लिए फर्स्ट पॉइंट रहेगा जहाँ पे हम लोग टारगेट बुक करने के लिए देखेंगे, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे हम लोगों को 340 का भी लेवल इजीली देखने को मिल सकता है। तो इसलिए इस स्टॉक पे जो है आप जरूर नजर बना के रखिएगा। अगर 363 के नीचे स्टॉक आपको क्लोज देता है 15 मिनट का कैंडल, तभी आपको यहाँ पे एंट्री करना है। स्टॉप लॉस 371 का रहेगा, टारगेट जो है नीचे की साइड फर्स्ट टारगेट 348 का रहेगा, रिसेंट स्विंग लो, और उसके नीचे अगर ये स्टॉक निकलता है तो 340-335 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सभी चीजों को समझ लिया होगा, सभी लॉजिक आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, लेवल्स आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।